हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में फिजिक्स का कितना सिलेबस पूछा जाता है। मैं पार्ट फर्स्ट पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैंने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा और उसके साथ कितने नंबर का कौन सा पूछा जाता वो भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एयरफोर्स टॉपिक। तो फर्स्ट फिजिक्स वर्ड एंड मीजरमेंट वन या टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइनेटिक मोशन एंड रेस्ट लीनियर मोशन बंडी मोशन, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लार्ज ऑफ मोशन 2 क्वेश्चन, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो भी आ सकते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूड्स, इसमें 3 क्वेश्चन, ऑक्सीलेशन 1 क्वेश्चन, हीट थर्मोडायनेमिक्स 1 क्वेश्चन, वेव्स 1 क्वेश्चन, करेंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटाइजिंग 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 क्वेश्चन। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये टॉपिक है ऑप्टिक्स में, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन 4 क्वेश्चन, टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके मॉडर्न फिजिक्स है उससे। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जितनी मेहनत करो उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए तथा अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट।